तो गाइस यार अभी मेरे चैनल पे है एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक प्रेजेंट। तो गाइस अगर आप एक यूट्यूबर हो और अपने चैनल के लोगों काफी ज्यादा सीरियस हो तो इस वीडियो को बिना इसके फुल अंत तक जरूर देख लेना। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे पूरा पता चलने वाला कि मैं इतने देर से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, और गाइस जो मैं आपसे बात बताने वाला हूं उसको आपको रिलेट नहीं करना, उसको आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना, अदरवाइज आप अपने चैनल के लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तो गाइस यार आज की जो वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना इसके फुल अंत तक जरूर देख लेना। और गाइस यार मैं आपको एक और बात बता दूं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बतानी है। जो मेरे साथ हुआ है आप इसको रिपीट ना करो, इसलिए मैं आपसे बताने वाला हूं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यार एक्चुअली में मेरे चैनल के साथ क्या हुआ कि मैं इतने दिनों से अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं अपने YouTube चैनल पे, और मेरे साथ भी क्या हुआ है तो यार इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप यहां पर साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहां पे मेरे चैनल पे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक्टिव है। और गाइस यार सबसे खतरनाक बात यह है कि यहां पे कोई और स्ट्राइक नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है। और गाइस आपको तो पता ही होगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो यहां पे काफी ज्यादा खतरे होते हैं। यहां पे अगर और दो स्ट्राइक आ जाती है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल परमानेंटली रिमूव भी हो सकता है। तो गाइस यार इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, डिमोटिवेट हो चुका था। और गाइस यार मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पे आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं कि आप कैसे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बच सकते हो, और मैंने क्या गलती की थी कि मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे कौन सी वीडियो पे ऐसी कौन सी वीडियो थी जहां पे मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है। तो यार सबसे पहले बता दूं, मैंने एक कुछ महीने पहले 2-3 महीने पहले एक स्पॉन्सर किया था, उसके प्राइज मिली थी मुझे के आसपास मिली थी आई थी रुपए ही। और गाइस यार उसी वीडियो पे मेरे चैनल पे 2 महीने के बाद स्ट्राइक आई है, सोच भी नहीं सकता था मैं, मुझे लगा था उस वीडियो पे स्ट्राइक नहीं आएगी, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, कोई मैंने आपको फेक एप्लीकेशन नहीं बताया इसलिए कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। बाय द वे गाइस उस वीडियो पे स्ट्राइक आ चुकी थी, और गाइस यार मैंने उस वीडियो को रिमूव कर दिया, और गाइस यहां पे वो उस वीडियो पे स्ट्राइक आ चुकी थी। तो गाइस यार उसी वीडियो में मैंने स्पॉन्सर की थी बाजी 247 के बारे में स्पॉन्सर की थी, आई थिंक यही थी। और गाइस इसी वीडियो पे जो थी स्ट्राइक आ चुकी थी। और गाइस मैं आपको बता दूं इस वीडियो में ऐसा मैंने कोई गलती नहीं की थी, बट गाइस यहां पे एक मिस्टेक में से हो गई थी। वो मिस्टेक जो थी मैंने यहां पे उसके कमेंट बॉक्स में या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया था, उस वेबसाइट का लिंक दे दिया था जिससे मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी थी। आई थिंक यही कारण था कि यूट्यूब ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक दी थी। और गाइस यार अगर आपको स्पॉन्सर करते हो तो आपको कोई भी साइट का लिंक नहीं देना है, कोई भी साइट का लिंक नहीं देना है, मैंने एक यही गलती की थी जिसके कारण मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी थी। और गाइस यार मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी वीडियोस का स्पॉन्सर कर रहे हो, किसी भी ऐप का स्पॉन्सर कर रहे हो, तो वहां पे आपको स्पॉन्सर वाला साइन जरूर लगाना है, जहां पे आपको मैं साइट में दिखा दूंगा ऐसा साइन जरूर लगाना है। और गाइस यार एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे चैनल पर जो स्ट्राइक आई थी वो लगभग यहाँ पे कुछ महीनों के लिए अभी एक्टिव है, और 7 दिनों तक मैंने वीडियो अपलोड या कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर पा रहा था। और गाइस यहाँ पे अभी तक एक्टिव है मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, और ये शायद आई थिंक दिसंबर तक ये एक्टिव रहने वाला है। और अगर यहाँ पे काफी बड़ा खतरा है कि अगर और 2 स्ट्राइक आ जाते हैं तो मेरा चैनल परमानेंटली डिलीट भी हो सकता है। तो गाइस यार अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का स्पॉन्सर कर रहे हो तो आपको कुछ गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होगा, यूट्यूब का गाइडलाइंस है। मैं आज जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे सारे गाइडलाइंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और गाइस यार काफी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का स्पॉन्सर कर रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उस एप्लीकेशन के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च कर लेनी है, रिसर्च कर लेने के बाद भी आपको वहाँ पे कोई से भी कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड नहीं करना है। ये स्ट्राइक जो होती है 7 दिनों के अंदर या फिर 1 दिनों के अंदर कभी भी आ सकते हैं स्ट्राइक, या तो कभी कभी सालों 2 सालों के बाद भी आ जाती है। तो गाइस यार सबसे पहले आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, और अगर आपको अगर कोई स्ट्राइक आती है तो उस वीडियो को डिलीट नहीं करनी है। और गाइस यार वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है यार दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए। तो बाय बाय।